दिलीप कुमार भारतीय सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज अभिनेता जिन्होंने अभिनय को नई परिभाषा दी और सिनेमा को मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के पर्याय के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। 15 अगस्त 1947 का दिन याद करके आपको कैसा लगता है? ख्वाब के जैसा लगता है, लाइक ए ड्रीम। और जो ख्वाब उस वक्त आया था वो कहां तक आगे बढ़ा? काश के वो पूरा होता। बहुत पेंट अप एस्पिरेशंस थे, एनर्जीज थी और बहुत बड़े रहनुमा थे, तारीखी सिग्निफिकेंस के लोग, पीपल ऑफ स्टैचर, विजनरीज एंड ग्रेट ह्यूमन बींग्स। सो द एटमोस्फियर वॉज चार्ज्ड विद सेंस ऑफ एस्पिरेशन एंड डिटर्मिनेशन टू मेक गुड दिस ग्रेट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम विच वॉज वेज्ड बाय द पीपल ऑफ दैट जेनरेशन एंड ऑफ जेनरेशन अर्लियर। आई एम सॉरी टू से दैट वी दैट ड्रीम हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। मेयरली बींग फ्री is perhaps a political term. I'm not a politician, so I will talk like a normal citizen, that we freedom perhaps implied not just the freedom to act or freedom to speak, but freedom from poverty and freedom from despair, a sense of enlightenment to come, avenues of growth and development of human mind and personality. एक सामान्य आदमी के रूप में अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले दिलीप कुमार को 1942 में देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये युवक एक दिन सिनेमा के आकाश का नक्षत्र बन जाएगा। दिलीप कुमार को अपने समय की विख्यात अभिनेत्री देविका रानी ने ज्वार भाटा के लिए चुना और फिर जो सफर शुरू हुआ वो अभी तक थमा नहीं है।